यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को लगभग 1:30 बजे घोषित कर दिया गया। छात्रों को बहुत ही बेसब्री से हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट का इंतजार था। गोरखपुर जिले में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। गोरखपुर में हाई स्कूल में 91.10% और इंटरमीडिएट में 76.31% परीक्षार्थी पास हुए हैं। हालांकि इस बार गोरखपुर में से कोई परीक्षार्थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में यूपी में टॉपर नहीं बन सका है। गोरखपुर में इस बार भी लड़कियों ने जिले में बाजी मारी है। हालांकि हाई स्कूल में 93.40% लड़कियों ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है, वहीं 88.57% लड़के हाई स्कूल में पास हुए हैं। गोरखपुर में 10वीं में अदिति यादव गोरखपुर की टॉपर बनी है। अदिति यादव ने 96% अंक हासिल किए हैं। वहीं इंटरमीडिएट में भी गोरखपुर जिले में लड़कियों ने अपना झंडा गाड़ा है। गोरखपुर में 89.16% लड़कियों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है, तो वहीं 80.66% लड़के इंटरमीडिएट में पास हुए हैं। इंटरमीडिएट में वंशिका सिंघानिया ने 95.40% अंक पाकर गोरखपुर जिले की टॉपर बनी है। बताते चले, गोरखपुर में 220 परीक्षा केंद्रों पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई थी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल जैसे ही लगभग 1:30 बजे घोषित हुआ, उसके बाद प्रभात खबर की टीम ने गोरखपुर के सरस्वती विद्या मंदिर में पहुंचकर वहां पे पहुंचे परीक्षार्थियों से बातचीत की। परीक्षार्थियों के चेहरे पर काफी खुशी देखने को मिली। किसी ने एक दूसरे से गले मिलकर खुशी का इजहार किया, तो किसी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। मीडिया से बात करते हुए छात्र छात्राओं ने बताया कि सरस्वती विद्या मंदिर मेरा 79.8। मेनली मम्मी पापा तो है ही, साथ ही में गुरुजन जो हम लोग के हैं, उसका हम लोग के प्रिंसिपल सर, हम लोग के गुरु ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। हम लोग का जब क्लास हो गया उसके बाद भी उन्होंने हम लोग को फ्री टाइम पे भी जो भी हम लोग के प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व किए बताएं। और ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत सगा होता है कि क्लास फ्री हो गया तो मत आइए, लेकिन उन्होंने साथ दिया, फ़ोन करने पे भी उन्होंने रिप्लाई किया, तो सभी का हाथ है, सभी का मेल दिया है। हम लोग के प्रिंसिपल सर ने भी बहुत ही अच्छा काम किया कि मेनली जो भी प्रोग्रामिंग है उन्होंने अच्छे से देखा, तो मेनली सभी का हाथ था पीछे इसके एकदम। अब इसके बाद आपका क्या एम से क्या करना चाह रहे हो? एम तो आगे का बैंक का हमको करना है क्रैक, तो बीकॉम मैंने सोचा है आगे का ग्रेजुएशन के लिए। सर हम इंटर में थे, क्या कहना चाहेंगे रिजल्ट आने के बाद? रिजल्ट आया, अच्छा लगा और सबको शुभकामनाएं, खास करके लड़कियों को जो अधिक से अधिक नंबर से पास होंगे। लड़के थोड़ा पीछे रहेंगे लेकिन मेहनत कर रहे हैं और अगली बारी मेहनत करेंगे तो हो सके अच्छा नंबर आए। क्योंकि असल बात यह है कि वो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करती हैं और लड़के थोड़ा घूमने में भी ध्यान लगाते हैं, जिसका कारण है कि वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, लेकिन लड़की मेहनत करती हैं और वो सक्सेस भी होती हैं। लेकिन लड़के भी कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, अगर करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। सर मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया और हमारे सभी साथियों ने भी किया ही होगा। मुझे 72.कुछ% अंक प्राप्त हुए हैं, जिससे मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ। वैसे मैंने मेहनत भी उतना उचित नहीं किया था। परिवार की तरफ से और गुरुजनों की तरफ से पूरा आशीर्वाद रहा, पूरा उन्होंने हमारी सहायता की है। अपने तरफ से अब हम आगे प्रयास करेंगे ताकि हम 12 के बोर्ड परीक्षा में कुछ अत्यधिक नंबर जुटाने का प्रयास कर सकें। जिस तरह से कोविड काल में ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे थे, उसमें और अब जो आपको ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, कितना अंतर महसूस होता है? सर दोनों में देखा जाए तो काफ़ी अंतर है। अगर हम देखा जाए क्लास में हमारे टीचरों से तुरंत हमारे डाउट यानी समस्याएं क्लियर हो जाती थी, ऑनलाइन क्लासेस में हमें इससे थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता था, उसके बारे में हमें खोजना पड़ता था, कई बार चीज़ें मिलती भी नहीं थी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर होती हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी बुरी नहीं है।
मेरा 79% रहा है और रिजल्ट तो खैर ठीक ठाक रहा है, कोई बात नहीं रही है। कहना यही है कि जो हम लड़के हैं, हम लोगों ने स्मार्टफोन को ज़्यादा यूज़ किया, उसकी बातें समझ नहीं पाए, उन्होंने समझ लिया इसको और उन्हें पढ़ाई शुरू कर दी, हम लोगों ने नहीं शुरू की। हम लोगों का बहुत दुख की बात है कि हम लोगों ने इतना ख़राब परसेंटेज उठाया, 79% उठाया, बहुत अच्छा नहीं लगा। कि हमारे माता पिता का ये था कि 85% से ऊपर हम लोग को रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। माता पिता का कितना आशीर्वाद रहा आप लोगों सब का? माता पिता का और गुरुजनों का और पूरे परिवार का सबका आशीर्वाद तो ठीक ठाक रहा, सब उन्हें आशीर्वाद दिया। एम रहेगा आपका? मैं बीटेक करना चाहता हूँ, इंजीनियर बीटेक कर इंजीनियर बनूं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।